अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पकाओ। यकीनन आप लोगों को शो अच्छा लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो यकीनन पक रहे होंगे इस शो से, क्योंकि एक्चुअली हमारे कंटेस्टेंट्स का काम ही है पकाना, चाहे वो कुकिंग करके पका रहे हो या हमारा दिमाग पका रहे हो। लेकिन मैं भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करती रहती हूँ, टास्क देती हूँ ताकि ये और इंटरेस्टिंग हो सके। कैसे बना सकते हैं आज का शो इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त सा, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आज भी हम पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हैं, ज़बरदस्त सा होता है, हमेशा आके इंजॉय करते होंगे आप लोग भी, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद आज क्या चैलेंज है हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, चलते हैं आपको बताते हैं। आज भी थोड़ा सा हिलाएंगे, फायर होगी और इसके साथ साथ थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा तकरार और बहुत कुछ। आइए जरा चलते हैं कंटेस्टेंट्स की तरफ, क्या कर रहे हैं आज और क्या है उनके लिए आज ये चैलेंज जो आज मैं लेकर आई हूँ। जरा तंग करेंगे, मिर्ची लगाएंगे, फायर को और बढ़ाएंगे और परेशान करेंगे और पकाएंगे। देखते हैं जरा कंटेस्टेंट्स किस फॉर्म में है, आइए ले चलते हैं आप लोगों को भी। राइट, मैं यहाँ काउंटर पे आ गई हूँ, अभी कंटेस्टेंट्स मौजूद नहीं है क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि आज क्या मैं चैलेंज दे रही हूँ। आज मेरी टीम ने उनके इंग्रेडिएंट्स रिमूव कर दिए हैं यहाँ पर। आज जो वो ट्विस्ट है वो ये है कि आज मैं खुद ये इंग्रेडिएंट्स लेकर आई हूँ, और तो मुझे नहीं अंदाजा है कि इन इंग्रेडिएंट्स से वो क्या रेसिपी क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन ये होने वाला है उन लोगों के लिए सरप्राइज कि वो आज जो अपनी रेसिपी लेकर आए थे वो नहीं बना रहे हैं। ऑलराइट, और आप बुलाते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को, शेफ ओवेस एंड शेफ नोफेल, प्लीज आइए। अबे ये मेरा काउंटर है, भूल गए क्या? ओके समीर, आज तो हम धमाल मचा देंगे। क्या रेसिपी लेके आए आपके लिए? सीरियसली भाई, सलाम दुआ होती है कुछ? मैं तो सबसे, आप ठीक है? मैं मुद्दे की बात करता हूँ, सलाम दुआ से शुरू नहीं करता मैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आज हम आपको फुल इंप्रेस करेंगे अपनी रेसिपी। ऑलराइट, और आप क्या करने वाले हो? हमेशा इंप्रेस करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को इंप्रेस तो मुझे करना है, लेकिन मैं आप लोगों की ट्विस्ट लेकर आई हूँ। अब ये आप लोग होने लगे हैं डिप्रेस्ड, क्योंकि अब आप अपने काउंसलर को चेक कीजिए, ये आपकी वो रेसिपी नहीं है जो आप लोग लेकर आए। भाई चिकन, ये क्या हुआ सर? चिकन नहीं है, बीफ है। यस यू आर राइट, क्योंकि हम यहाँ पर आप मेरा तो चिकन ही है चेंज कर चुके हैं। आपके अपने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आपको जो दिए गए इंग्रेडिएंट्स हैं ओएस, आपको भी इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई रेसिपी क्रिएट करनी है। अब जरा मुद्दे की बात, ये खा लूं मैं? अब बताएं मुद्दे की बात, ये खा लूं मैं? आप खाएंगे तो आपकी रेसिपी में ब्लंडर हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर जो हमारी टीम ने इंग्रेडिएंट्स दिए हो उसमें शायद आप कोई रेसिपी क्रिएट करना चाह रहे हो और कोई एक चीज आपको मुसलसल तंग कर रही हो कि ये नहीं है और ये नहीं बन सकता। खाइए, हमने आपको एक तरफ गुलाब जामुन, आज आप लोगों की रसम होने वाली है। अब सोच लीजिएगा वो किस टाइप की रसम होने वाली है। मुस्कुराहट तो चेहरे पे बहुत है, शायद ये कंफ्यूजन की है, टेंशन की है, क्या होने वाला है? वो कहते हैं ना कि नर्वस होने से पहले, घबराने से पहले मुस्कुरा लेना चाहिए, यू नो, घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। क्या हुआ? गुलाब जामुन, रबड़ी। तो अब आप क्रिएट करें ना, आप शेफ हैं, ये एक टास्क है, ये एक कॉम्पिटिशन है, आप लोगों ने इसे भरपूर तरीके से इंजॉय करना है। आपने तो क्या किया आज हमारे साथ? आप लोग हमेशा पका रहे होते हैं, आज मैं आप लोगों को पकाने वाली हूँ। ये तो आप करेंगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक दफा नजर डालिए आप। ये कुछ अरेबिक स्पाइस है, कुछ सुमक पाउडर है, नहीं वो कलर से पता चल रहा है, केपर्स हैं, कुछ अरेबिक बनाने की कोशिश कर रही हैं आप? हाँ, हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको इसी तरह से दिए हैं। मेरे पास अरेबिक बिरयानी, फ्राइड अनियंस, अरेबिक बिरयानी चावल का है। फिर अब आप सोचिए क्या हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। समझ आ रहा है? कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे फेस पे नजर आ रही है। I'm sorry. तो इनको really थोड़ा sorry. सा टाइम देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ताकि यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स को समझ सकें और सोच सकें कि क्या रेसिपी क्रिएट हो सकती है। बट गाइस, आप लोगों के पास टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम उतना ही है शो का, और इतनी ही देर में आपने ये रेसिपीज बनानी है। क्या बन सकता है? एक हमने मीठे की दी है एंड दूसरी हमने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो दिए हैं वो अरेबिक के दिए हैं, तो इससे क्या कुछ बन सकता है? शेफ नौफल एंड शेफ उवैस, आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, इतनी देर तक इंग्रेडिएंट्स को समझिए, सूंघिए, चखें, जो दिल करता है कीजिए। हम ले रहे हैं यहाँ पर ब्रेक,
एक और फिर ज्वाइन करते हैं इस ट्विस्ट में, क्या हो रहा है, या तो कुछ बन जाएगा या कुछ नहीं बन पाएगा। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और आई होप ब्रेक में इन लोगों ने अपने अपने इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया होगा और कुछ प्रिपेयर हो गए होंगे कि क्या रेसिपी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ओके है। नौफिल आज तो शायद ये आप कहीं ऑर्डर कर लें, इसके बाद मेरे ख्याल से मेरी तरफ से कोई उम्मीद नहीं रखना, तुम ही खाना खिलाओगे। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ना भाई, आप परेशान ही ना हो, आप जो है ना फुल गॉड डिनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आज कंसंट्रेशन रेसिपी पर रहेगी, शायद कम से कम पकाएं आप हमारे व्यूअर्स को, तो पकाइए साथ-साथ एंजॉय कीजिए कुकिंग वाला पकाना। मैं यहां से जा रही हूं, रेसिपीज गाइड कीजिए, समझिए, बनाइए जबरदस्त सा, फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूं। प्लीज इधर आना। ठीक है, क्या गुलाब जामुन मिक्स कर देना, रबड़ी मिक्स कर देना, नट्स मिक्स, सब एक साथ मिक्स करके बन गया। हम मैरिनेशन की तरफ जाते हैं। मैरिनेशन में जो है सबसे पहले सॉल्ट है, तो मेरे ख्याल में मेरे पास चिकन 250 ग्राम मेरे पास चिकन है, तो मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट डालूंगा इसके अंदर। मैं डालता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, क्रीम है यहाँ पे, तो मैं क्रीम डालता हूँ इसमें पहले, तो तकरीबन इतनी क्रीम काफ़ी है, 2 टेबल स्पून के करीब। हम लोग जो है लेमन जूस डालेंगे, लेमन जूस जो है वो भी हाफ टेबल स्पून है। अब बातें ही, ये मेरे लिक्विड इंग्रेडिएंट यहाँ पे सारे मिक्स हो गए। मैंने इसमें क्रीम डाली है, मैंने इसमें दही डाला है, मैंने इसमें जो है तहिनी पेस्ट डाला है, लेमन जूस और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, और हमारे पास अनियंस हैं। अनियंस गो वेरी गुड विद द मैरिनेशन, तो हम अनियंस डाल देंगे। फ्राइड अनियंस हैं, इसको जो है चॉप किया हुआ है या उसको आप अवन दस्ते में कूट लें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्रीम है, लेट्स गो फॉर क्रीम। इसके अंदर जो है वो हाफ टी स्पून के करीब मैंने सेमिक पाउडर डाल दिया, ठीक हो गया। इसमें जाएगा तकरीबन सॉल्ट 1 पिंच, थोड़ा सा जो है इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, तो मैं इसमें जो है मीट टेंडराइज़र डाल दूँगा। और आपको ये पता है कि मीट टेंडराइज़र जो होता है, अगर मैं एक होता है कचरी पाउडर और एक होता है वाइट कलर का मीट टेंडराइजिंग पाउडर, वाइट कलर का मीट टेंडराइजिंग पाउडर वो आपके जो है वो प्रोडक्ट में जो है मलाई का फ्लेवर लेके आता है, जो कि एक्चुअली मलाई टिक्को में डलता है। इसके अंदर सॉस बनेगी मेयोनीज है, विनेगर मेरे पास बचा हुआ है, मस्टर्ड पेस्ट है, वेरी गुड। इसके अंदर वॉर्शेशायर सॉस है, और व्हाट इज दिस, गार्लिक पाउडर, नाइस, अनियन पाउडर, वेरी गुड। I got you अभी, I got you। ये तुम क्या, ये जो है क्या बनने चाह रहे हैं? अब I know। अब मैं तो कब का पहचान चुका कि वो क्या देखे गई हैं। लेकिन मैं इसको, इस सॉस को मैं नाम दूंगा, क्योंकि ये मैं भी बना इस डिश को नाम दूंगा। ये तो सॉस मैं बना रहा हूँ, तो ये सॉस तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसको नाम दूंगा जेरीज वाइट सॉस। लेट्स सी के इसका क्या फ्लेवर आता है। नाम मैंने इसका सोच लिया है, अबीर पूछेगी तो मैं नाम बता दूंगा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया हमने इसको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनियन पाउडर भी 1 पिंच के करीब डालता हूँ मैं इसके अंदर। अच्छा, सॉल्ट और पेपर के बगैर कोई भी सॉस कंप्लीट नहीं होती है, डेफिनेटली सॉल्ट एंड पेपर, ठीक हो गया। अब इसको मैं मिला के देखता हूँ। इसको मैं अभी से नाम बता रहा हूँ आपका, इसको मैंने अपना नाम दिया है क्योंकि मैंने क्रिएट करी है ये सॉस, तो इसको मैं अपना नाम दूंगा जेरीज वाइट सॉस। योगर्ट है तो हम लोग तहिनी सॉस बनाएंगे, विद योगर्ट, बेस योगर्ट की होगी। इसमें हम लोग जो है तहिनी सॉस डाल देंगे। नौफिल, 1.5 क्या? नौफिल, चेक कर, चेक तो कर। घी डाला है? यस सर। तू बता कैसे है? बहुत अमेजिंग है। घी डाला है? नाम बताऊं? जेरीज वाइट सॉस, टॉम एंड जेरी वाला जेरी, चुआ? नहीं नहीं, वाला नहीं, ये ओएस वाला जेरी। गुड वर्क माय बॉय, गुड वर्क, थैंक यू। मेरी सॉस भी तैयार हो गई है मैडम। अच्छा, योगर्ट, तहिनी पेस्ट,
ठीक है। इसमें हल्का सा लेमन डालेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे अरेबिक मसाला, जो अरेबिक स्पाइस है। गार्लिक चॉप रखा हुआ है? हाँ, देना एक एक क्रिएशन और करते हैं। हल्का सा इसमें हम लोग जिंजर पाउडर डाल देंगे। गार्लिक इज माय ऑल टाइम फेवरेट, ये लो। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। कोशिश करें कि इसको एक रात पहले मैरिनेट करके रख दें, उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड करें, मतलब इसको सर्व करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, इधर बेल पेपर रखे हैं, रेड बेल पेपर। इसको हम अपने जो बनाएंगे अरबिक का आखिर में जो भी सरप्राइज इंग्रेडिएंट है उसके साथ, तो वैसे तो राइस होने चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। अगर राइस नहीं होते हैं तो हम इसको देखते हैं किस तरह से बनाते हैं, क्या सर्विंग होती है, क्या होता है। ये मेरी एक डिप डन है, सेकेंड डिप की तरफ चलते हैं। सालसा हमारे पास रखा हुआ है, सालसा किसी भी कंपनी का ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। घर में बनाना है तो उसमें टमाटर चॉप जाते हैं, आनियंस चॉप होते हैं, कोरिएंडर जाता है, हल्की सी चिलीज जाती हैं, उनको मिक्स करते हैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन के साथ। चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर कुछ देसी टच में देना है तो। वेरी अमेजिंग सालसा मेरे पास भी है। हेलो, मैंने सालसा की रेसिपी भी बता दी। ओह माय गॉड, डिसाइड हो गया। अरे ऐसा वैसा, यू लव इट। अभी तक कुछ नहीं हो रहा, यू समझ गया आपने क्यों रखा हुआ था ये सब, और मैंने उससे जबरदस्ती भाई कुछ समझ आया। हां हां, वेस्ट टेंशन नहीं है, इतने आसान इंग्रेडिएंट। वो तो शुरू में वो एक ना पर्चा आप देखते हैं तो बोलते हो ये क्या आ गया, पर्चा आउट हो गया। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो फिर जब रिलैक्स हो गए तो टेंशन बढ़ाते हैं आप लोगों की। बिल्कुल, बस जज को बुला लेते हैं आज के शो के जज। आपने जज का नाम लिया और मेरे पसीने छूट गए। जज का तो सुने, बैकग्राउंड पे चेक करें, मतलब जज के पास एक्सपीरियंस डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि वो जिनके बेटे हैं, जिनका मैं नाम लूंगी, वो हमारी लेजेंड है। मेरी तो बहुत अपनी, बहुत प्यारी, मेरी क्या पूरी दुनिया उन्हें मानती थी और अभी भी मानती है, और बहुत पुराना साथ रहा, तो मेरे पास तो इंट्रोडक्शन की इतनी लंबी लिस्ट है। तो एक्सपीरियंस फूड के हवाले से उनके पास बहुत है, एक अपना भी बिजनेस माशाल्लाह स्टार्ट होने लगा है, और वो शेफ भी हैं। और वो किन के बेटे हैं, हम इनकी बात कर रहे थे। आपकी हमारी बहुत ही प्यारी जुबैदा अपा के बेटे हमारे साथ हैं आज, जो वेलकम करते हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खत्म हो गया लेकिन क्या हाल है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, कुछ अफनाइयत लगती है इनको देख के। हुसैन हमारे साथ है, हुसैन के पास एक्सपीरियंस उनकी मदर का भी चलता आया है, फिर देन इन्होंने अपनी खुद की भी बहुत काम किया। प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सारे काम किए, सिर्फ मुल्क का सदर नहीं बना। तो हमने अपने, मैंने रेस्टोरेंट्स भी रन किए, फिर कुकिंग शोज भी टेलीविजन पे किए, और कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी अरसा टाइम गुजारा, और अब मैं दोबारा से अपने बिजनेस में आ गया हूँ। इंशाल्लाह विल बी स्टार्टिंग बेकरी यूनिट्स पैन पाकिस्तान, वी हैव टेकन द कमिसरी ऑन रेंट, और इंशाल्लाह फिर आप हैं और हम हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यानी फूड का एक्सपीरियंस जरूरत से ज्यादा है इनके पास। और आज आपने एग्जाम रखना था जी, आज हमने इनको बाय द वे इनके इंग्रेडिएंट सरप्राइज दिए हैं। इनको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिए थे और इनको नहीं मालूम था कि आज क्या इंग्रेडिएंट्स इनको मिलने वाले हैं। और तो ये हमेशा अपनी रेसिपीज खुद लेकर आते हैं, खुद बताते हैं, आज हमने उनकी रेसिपीज हटा दी हैं, आज इनको हमने इंग्रेडिएंट्स दिए हैं खुद, तो अब ये इससे रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं। ओके ओके, तो आप जितना दिल करता है इनकी क्लास लें, मिर्ची लगाएं। बाकी दुबई से मैंने एजुकेशन हासिल की हुई है और वहीं पर जॉब की थी। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड बनाने में इटालियन। और फिर कैफे के अंदर जो हमारा रेस्टोरेंट है उधर प्रैक्टिस करी। बताओ मैंने सिखाया कल मैंने
चलो अब बना के रहे हैं। सबसे पहले बताऊँ कि मैंने जो मैं एक्चुअली 9th से ही कुकिंग करता हुआ आ रहा हूँ और आपकी मॉम की जो चीज़ें हैं उनके टोटके और उनकी चीज़ें सारी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल सबसे सीखा। She was a fantastic woman. और आई थिंक आप जो कह रहे हैं ना क्लास 9 से आई स्टार्टेड कुकिंग व्हेन आई वाज प्रोबब्ली 9 इयर्स ओल्ड तो ये आपको ये बॉर्न टैलेंट होता है ये सिखाने में जरूर सीखते हैं लोग लेकिन जनरली ये बॉर्न टैलेंट होता है बिल्कुल बॉर्न लेकिन वही टेक्निक्स और तरीके वगैरह इट्स ऑल अबाउट आर्ट एंड एस्थेटिक्स आपको बचपन से शौक होता है तभी आप करते हैं ऐसा ही है। एनीवेज चलिए यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। वेज को थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इस हवाले से कि वो बना तो रहे हैं रेसिपी पूछा तो पूछे तो इससे बना रेसिपी नेम आप हां एक्चुअली मैंने जो क्रिएट किया है रेसिपी नेम वो मलाई अरेबिक पॉकेट्स हैं। ओके ठीक है मलाई अरेबिक पॉकेट्स लाइक मैंने मलाई का उसमें जो है एक टेक्सचर दिया है तो अरेबिक तो है बट वो मलाई थोड़ा सा फ्लेवर है। सेकेंड वन इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स जो आपने दिए हैं वो कुछ मिलते जुलते ही हैं बट लाइक मेरी रेसिपी से नहीं मैं सोच लिया है मैंने शेक बना रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग 3 मिल्क केक शेक। आपने स्ट्रॉबेरी केक शेक पिया होगा स्ट्रॉबेरी चीज केक शेक पिया होगा लेकिन मैं इस वक्त 3 मिल्क केक ओके सो यू हैव ऑल दी रबड़ी कंडेंस मिल्क और सब या कंडेंस मिल्क का रबड़ी शेक या नाइस रबड़ी शेक एंड इसके अंदर मेन कोर्स में जो है मेरी अरेबिक जो है वो फ्लिप है अरेबिक फ्लिप के नाम से मैंने इसका नाम दिया है क्योंकि आपने जो इंग्रेडिएंट रखे थे उसमें चिकन और बेल पेपर्स वगैरह हैं मेरे पास टॉर्टिला है तो मैं रैप नहीं बनाऊंगा मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है रैप करना तो टॉर्टिला या क्या करने मैं थोड़ा सा मैं टॉर्टिला को जो है मैंने इसका जो नाम सोचा है वो फ्लिप नाम सोचा है क्योंकि मैं टॉर्टिलास को स्प्रेड करूँगा उसमें चिकन रख के उसको फ्लिप करके उसको ट्रांसलेट करूँगा। ओके तो एक नई डिश हमारे पास लाइक पिज्ज़ा लाइक इसको कटिंग करके फिर आपको सर्व करेंगे। ऑलराइट यहां पर ये तो रेसिपीज अपनी अपनी बताती हैं नेम्स रेसिपी के डिसाइड हो गए हैं है या ये बोनलेस है ये बोनलेस था तो शेफ हसन प्लीज ब्रेक लीजिए जी हम देख रहे हैं पकाओ और द आइडिया इज के सबको एक ऑडियंस को भी पकाना है और खुद को भी पकाना है सो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वाचिंग पकाओ वेलकम बैक टू शो पकाओ और अब टेंशन तो थोड़ी इनकी बढ़ गई थी हमने जज से इंट्रोडक्शन इनका करवा दिया है अब बाकी की जो भी डिटेल है नोफिल एंड शेफ ओवेज आप हमारे व्यूअर्स के सामने शेयर करते जाएं जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं आई होप वो बेहतर बन जाए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने दिए थे उससे वो रेसिपी क्रिएट हो जाए जो आप इंशाल्लाह क्या बता रही है सही तो बहुत ही खराब है नहीं ऐसा नहीं है आप लोगों के बारे में उन लोगों को बताऊँ एटलीस्ट उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप लोग कितना पकाते हैं कैसे पकाते हैं ये तमाम चीजें बस दुआ कीजिएगा मैं अच्छा ही बोलूँ उनके साथ ये तो फूल बताएगा अच्छी चीज बताइएगा पकाने का नहीं बताइएगा ओके ऑलराइट तो ये अब आपको रेसिपी बताते हैं टिप मैंने एक तो आप लोगों को बता दी थी कि जिसमें मैंने जो है योगर्ट और तहिनी और सॉल्ट लेमन और क्या कहते हैं उस पर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला था लेकिन दूसरी रेसिपी में मेरे पास सालसा पड़ा था तो मैंने थोड़ा सा सालसा मायोनीज में डाला थोड़ा लेमन डाला उसके बाद मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला गार्लिक पाउडर डाला ठीक है लेमन थोड़ा ज़्यादा डाला क्योंकि मैंने इसको खटास देना है क्योंकि सालसा की वजह से हल्का सा मिठास आ रही थी वो इसमें मैंने डाली है रबड़ी ठीक है अच्छा और इधर क्या रखा है कंडेंस मिल्क रखा है थोड़ा सा मैं कंडेंस मिल्क डालता हूँ बस ये चिकन मेरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता उसमें मैं अभी कैप्सिकम नहीं डालूंगा कैप्सिकम जस्ट मैंने टोस आउट करना है मीनवाइल मैं अपनी शेक की चीज़ें जो हैं यहाँ पर डाल दूंगा ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब क्रीम है वो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा थिक मेरे पास शेक तैयार हो जाए यहाँ पर अच्छा सा ज़बरदस्त सा अब क्रीम डालने के बाद इसकी स्वीटनेस कम हो जाएगी डेफिनेटली क्योंकि मेरे पास जो है वो अनस्वीटन क्रीम थी टेट्रा पैक अच्छा इसमें हम लोग डालेंगे केक क्योंकि ये 3 मिल्क केक है और हम इसको मारेंगे एक ब्लेंड और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे बस ये मेरा शेक तैयार है इसको हम जो है हम अपना जब स्टार्टर रेडी कर रहे होंगे सॉरी मेन कोर्स जब रेडी करेंगे उस वक्त हम इसमें बर्फ़ डालेंगे और इस पर और ब्लेंड करके अमेजिंग ना ज़्यादा मीठा ना जो है ये फीका है बिल्कुल भी
परफेक्ट ब्लेंड है। इसको हम रखते हैं थोड़ी देर साइड पे और अपनी चिकन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसको मैं एक निकाल के देख लेता हूँ कि ये हो गई है यानी, क्योंकि थाई पीस है, थाई पीस थोड़ा सा टाइम लगाता है कुक होने में। कह रहे थाई पीस थोड़ा सा टाइम लगाता है, नरम गोश्त। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि इसमें डाउट होता है ना कि कुक हो गया कि नहीं, क्योंकि नरम रहता है वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी बात नहीं पकड़ो, अपना काम से काम करो। मैं आज कुछ नहीं बोल रहा, मैं आज बहुत टेंशन में हूँ, समझ आई? और अगर मेरा खाना ख़राब बना, इट्स अमेजिंग, बस थोड़ी सी और कुक हो जाए। और अगर मेरा खाना ख़राब बना तो तुमने ही बोला ना, तुमने सिखाया मुझे खाना खराब बना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ब्रो, आई हैव ट्रस्ट इन यू। बिल्कुल, ज़रा सा मैं ऑयल लगाऊंगा, मुझे फ्राई नहीं करना है, बस अपनी जो टॉर्टिला है ना उसको सेकना है। आइसबर्ग है यार? आइसबर्ग बिल्कुल है, मेरे पास है, मेरे काउंटर पे ही रखी हुई है यार, बट मेरी तो चिकन ही कुक नहीं हो रही है। चूल्हे को क्या हो गया है? बस बहाने शुरू यार, सीरियस बोल रहा हूं मैं, बहाने नहीं है, कसम खुदा की। हर शो के एंड में यही होता है। चुप, शो के एंड में यही होता है। अच्छा खैर, हमने जो है इसके ऊपर, अपनी टॉर्टिला के ऊपर ये लगा दिया है सॉस। इसके ऊपर डालेंगे हम आइसबर्ग, फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, फिर इसमें डालेंगे चीज़ स्लाइस, और इसको इससे बंद करेंगे और अपने पैन के ऊपर इसको सेकेंगे और फिर इसको फ्लिप करेंगे, तो दूसरी जगह से सेकेंगे, फिर हमारा प्लेटर रेडी हो जाएगा एक अच्छा सा, और फिर हम थोड़ा वेट करेंगे। चिकन आइसबर्ग दो, आइसबर्ग चाहिए तुम्हें, मेरे टाइम नहीं है। अच्छा, आधी मुझे कर रही है, आधी मुझे दे देना प्लीज। हाँ हाँ, लाओ दो, आधी मुझे दे लाओ, छुपा के रखे रहो अपनी तरफ सारी चीज़ें। हाँ तो क्या मतलब है यार, ये ऑयल ही गर्म नहीं होके दे रहा है। बहाने शुरू 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 शुरू, तुम आ जाओ यहाँ पर तो पता चले तुम्हें। फिर शुरू शुरू शुरू, कैप्सिकम डाल देते हैं इसमें, ये लो हमारी आइसबर्ग यहाँ पे है। अच्छा, आइसबर्ग मैंने इससे मांगी क्योंकि थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आता है आइसबर्ग से, वो इसमें मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये मेरा हो गया है सारा काम इसका, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि यार वो सुनो। हाँ बोलो। हमारा चूल्हा तेज है ना? हाँ। क्या जलाओ? नहीं यार, इसको वहाँ रख लो ना। नो। ऑलराइट गाइस, मैंने आप लोगों की बहुत सारी तारीफें की हैं जज के सामने। उम्मीद है मुझे, उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर रेसिपीज आप लोगों को आई एम श्योर डिटेल में बता दी होगी। हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे देन बाकी की डिटेल, एंड ऑब्वियसली हमारे साथ हमारे आज के शो के जज भी मौजूद होंगे। देखते रहिए पकाओ, वेलकम बैक टू शो पकाओ। अभी हुसैन भी हमारे साथ है जो आज के शो के जज है, और आज इनको और ज्यादा टेंशन होगी इनको देखकर। नीचे मैंने चिकन रखी, थोड़ा सा सॉस जो हमने, मैंने इसका नाम दिया व्हाइट सॉस, एक बनाया था यहाँ पे, इंग्रेडिएंट रखे थे तो मैंने उसको इस्तेमाल किए थे। उसके अंदर जो है मेयोनीज था, एप्पल साइडर विनेगर, मस्टर्ड पेस्ट, वॉशर सॉस, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। Yeah, pretty much on the table. Everything was there. Yeah, तो मैंने उसको मिक्स करके एक ऐसा तो आप बोल नहीं सकते, आगे वही हम दोबारा बता रहे होंगे। You never know, हम next episode में क्या twist आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अब एक के बाद एक challenge होने वाला है, तो get ready boys. Done है, done है। उन्हें pan को grease कर लिया? जी बिल्कुल, हल्का सा बिल्कुल grease करें। All right, तो यहाँ पर fries किसके हैं ये? ये fries दोनों के ही हैं। दोनों के ही हैं? दोनों के हैं। हम ऐसे ही करते हैं। Fries chair होके fry हो रही है। आपने एक ही जगह रखे थे, हमने बोला चलो यहीं पर ही कर। अच्छा, ड्रिंक के बारे में कुछ बताएंगे आप? ड्रिंक के बारे में हमने मिल्क डाल दिया है इसमें, एवेपोरेटेड मिल्क डाला है, क्रीम डाली है, कंडेंस मिल्क डाला है, और इसको मैंने ब्लेंड किया है विद द केक, केक भी इसके अंदर शामिल किया। अच्छा, केक जो है वनीला, हम लोग वनीला में भी होता है, ठीक है, और जो हम लोग देते हैं हम चॉकलेट केक में भी क्रीम मिल्क केक देते हैं, तो मैंने दोनों ही स्पॉन्ज डाले।
चॉकलेट भी डाला है, वनीला भी डाला है। और अब जो है इसके ऊपर मैं फ्राइड राइस रखूंगा, जो कि मुझे पता है कि फौरन अंदर चली जाएगी बिकॉज मेरा शेक अच्छा नहीं बना। यार मुझे टेंशन लगी हुई है, ये मेरी थी, मेरा शेक अच्छा नहीं बना। मेरे को करो, कर रहा हूं। ये अभी से लाइन क्यों दिए लो फिर? या बस आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद माय शेक। व्हाई? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब वो ही बताएंगे मुझे कि एक्चुअली अच्छा बना है कि नहीं बना। बट देखिए मेरा शेक अच्छा नहीं बना और इसका फ्लिप भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको कर लूंगा, मैंने टेंशन नहीं लो। अभी टाइम है गाइस आप लोगों के पास। वैसे जज ने देख लिया बाय द वे। प्रेजेंटेशन अभी नहीं हुई है, सामने की प्रेजेंटेशन अभी बाकी है। अच्छा हुसैन, अभी तक यहाँ तक कैसा लग रहा है आपको कि रेसिपी किसकी बेटर होने वाली है? वो तो टेस्ट से पता चलेगा। आई थिंक ये जो इसने पॉकेट्स बनाए हैं या शवरमा स्टाइल में जो भी है, ही हैज ऑब्वियसली सिलेक्टेड अ सेफर रूट देन ओवेस, विच इज सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट। बिकॉज आप जब भी किसी कॉम्पिटिशन में होते हैं और आपके पास एक ऑप्शन होता है तो आप एक रिलेटिव आसान प्री डिटरमिंड रूट लेते हैं। तो बट इट डेफिनेटली ओवेस की शक्ल खाने की नोफिल की शक्ल ज़्यादा बेहतर है। बट या डेफिनेटली डिपेंड अप टेस्ट पर ओवेस वो तो टेंशन नहीं ले बिल्कुल। इसको मैं ब्रेक में करूंगा सही। इसको के नोफल को नहीं, उसको तो मैं उसको तो आपके सामने ही कर देता हूं, आपको पता है ना। वो ब्रेक की जरूरत नहीं है उसको करने की। अच्छा तो आपने अपनी रेसिपी को सही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी फ्राइज पे ना सुनकारियां करनी है। टू प्रेजेंट यू, सुनो तुम्हारी डिप बची हुई है, क्रीम दे दो यार, व्हिप करी थी तुमने नहीं की ना यार, ये लो खुद करो, लाओ दो। आपने क्रीम यूज की है? लाओ दो। नहीं क्योंकि मैंने बताया ना इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड ही है, तो वो क्रीम ऊपर से डालूं। ओके मेरे डर है कि हो जाएगी। आपने ओवेज ड्रिंक डिटेल शेयर कर दी है? लो जो लेना है ले लो, शेयर कर दिए। इससे कोई काम नहीं होने वाला तो मैं ही कर देता हूं। मैंने जो है इसके अंदर ड्रिंक की डिटेल, मैंने ये लाइन आपके लिए होनी चाहिए थी जो आपने बोली है। मैंने ड्रिंक भी रेडी कर दी अच्छी सी। आओ अच्छा अच्छा, वो सिर्फ फ्लिप में गड़बड़ हो गई। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या रह गया अभी करने को? ऑलमोस्ट डन है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास या बस इसकी प्लेटिंग कर रहा हूँ, बस ये फ्राइज हो जाए तो फिर उसके ऊपर हम लोग फनकारी करेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगा क्योंकि आपने रखी थी गुलाब जामुन, इसको तो मैं खा लेता पूरे शो के दौरान, लेकिन मैंने बोला चैलेंज छोड़े। तो जो है मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट नहीं करूँगा, शेक के साथ दूँ तो ज़्यादा अच्छा। मेरा वैसे ही फ्लिप खराब हो गया, शेक तो अच्छा जाए ना यार। ये जो है ना अगर बचा। अच्छा आज फर्स्ट एपिसोड है जिसमें ये दोनों कंटेस्टेंट हमारे एक एक रेसिपी को ब्लेम कर रहे हैं, और हमने आज चैलेंज दिया था और इस चैलेंज में पूरा उतरने के बजाय खुद ही बोल रहे हैं नोफिल कि मेरी एक ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है कंसिस्टेंसी की। और शेक में तो आइसक्रीम भी होनी चाहिए ना, और इधर ये फ्लिप में गड़बड़ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे तो ऑल्दो जज ने भी देख लिया है। हुसैन ब्रेक लेते हैं, रीकैप होगा, रेसिपी की डिटेल हमारे व्यूअर्स देखेंगे क्या क्या इन लोगों ने बनाया है और कैसे बनाया है। एंड देन वो टाइम है टेस्टिंग का कि क्या हो रहा है, कैसे बनी है आज की रेसिपी और कितना पकाया है इन्होंने रेसिपी को, तो वो जानेंगे। अभी रिकैप चेक करें, फिर ब्रेक लेने भी ज्वाइन करते हैं। दिख रही है पकाओ, वेलकम बैक टू शो पकाओ। और मैं और हुसैन यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक्चुअली अपने शेफ्स का, ताकि जो रेसिपी आज हमने इनको चैलेंज दिया था वो लच्छी क्या होने वाला है और आज क्या रेडी हुआ होगा। प्लीज आइए शेफ, प्लीज नाम के साथ अपनी रेसिपी रखते जाइए। अरबिक फिलिप्स हैं और मेरी जो है मजेदार सी रबड़ी शेक, और ये है आपका जो स्टार है उसमें, और अंदर डालता ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो जाता, तो मैंने बोला सिर्फ टॉपिंग पे रख दूँगा क्योंकि रबड़ी ऑलरेडी मीठी होती है ना। मलाई अरेबिक पॉकेट्स, ओके, एंड नाकामयाब क्रीम मिल्क शेक। ओहो, अगेन एंड अगेन एक ही चीज से नोबल। मैं खुश नहीं हूँ इससे, आप देखते हैं कि ये आप लोग खुश होते हैं क्या। अच्छा पहले से आपने जजेस के सामने ऐसे बोल दिया। अच्छा इसके ऊपर कुछ बताना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे थे वो क्या है? वही कंसिस्टेंसी जो है उसकी वजह से जो है मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम नहीं डाल सका और वो नहीं चली। ओह मैं एक्चुअली देख रही थी कि आप कुछ ट्राई तो कर रहे थे, तो ट्राई करें
ये बिल्कुल ये जो है ये एक वाइट सॉस थी, इसको थोड़ा सा जो है सिट्रस था क्योंकि मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर और फिर चीज़ और मस्टर्ड वगैरह को मिला के मैंने मेयोनीज़ मिला के एक नई सॉस क्रिएट करी। तो खूबसूरत कैसी लगती है, दिस इज़ द सालसा रेडी मेड सालसा, उसको जो है मैंने फ्राइज के साथ जो है रखा। सालसा खुद बनाया नहीं, ये बना बनाया मुझे मिला रखा हुआ, लेकिन मैंने डिश बता दी है रेसिपी व्यूअर्स को अपने, मैंने जो अगर घर में बनाना चाहते हैं और वो नहीं लेना चाहते बाहर से तो हमारी सॉस हम पहले ओएस की ही ट्राई करते हैं ताकि हम आप आराम से उसको फीडबैक दे सकें। अच्छा ये एक्चुअली ओएस से सेट कर लिया है ओएस? हाँ थैंक्स टू मी। अच्छा हर चीज का क्रेडिट है ना? अच्छा चलो हर चीज का नहीं 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 इसी ने सब कुछ सेट किया। हमने इंग्रेडिएंट्स दिए और वो दिए हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने इतनी अच्छी रेसिपी बनाई, वेल डन। ओके लवली फाइनल और यू हैव टू फिगर आउट किससे कैसे होगा। मैं कर दूंगा पीस काट के देंगे। मैंने मायोनीज के साथ जो है सालसा को मिक्स कर दिया विद सम लेमन। दो सॉसेस बनाई हैं एक्चुअली मैंने, एक मैंने गार्लिक और लेमन सॉस बनाई है जिसमें मायोनीज में मैंने गार्लिक डाला है एंड देन अ लॉट ऑफ लेमन क्योंकि थोड़ी सावरी टेस्ट हो जाएगा इसका, और दूसरे में मैंने मायोनीज के एक मैंने ताहिनी बनाई है, आई मिस्ड इट, ताहिनी मैंने बनाई है जिसमें मैंने योगर्ट ताहिनी सॉस और इसमें मैंने लेमन और सारी चीज़ें डाली हैं सॉल्ट वगैरह, ठीक है। और दूसरी मैंने मायोनीज बेस बनाई है, एक योगर्ट बेस्ड है और एक मायोनीज बेस्ड है। सबसे ज़्यादा मैं तो कॉन्सेंट्रेट करती हूँ कि जब आप कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं या डिज़र्ट हो मीठा हो तो वो बहुत मीठा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ स्वीट का टेस्ट आए और आपको किसी और चीज़ का टेस्ट ना आ रहा हो। और मुझे दोनों का बहुत अच्छा लगा, ये जो जिस तरह से इन्होंने पॉकेट बनाई दोनों ने इन दी एंड बट डिफरेंट है इन्ग्रीडियंट्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि सेम है इनके पास। जब मैंने भी अपनी टीम के इन्ग्रीडियंट्स लाए हुए देखे तो मैं तब भी मैं खुद ही शॉक हो गई थी, मैंने कहा लेट्स सी ये लोग क्या करने वाले हैं, डिप्रेस्ड होंगे या इम्प्रेस कर देंगे, तो एक्चुअली आई एम इम्प्रेस्ड, मज़ेदार। ओके प्रेजेंटेशन दोनों की बहुत अच्छी है, एट द एंड ऑफ द डे आपने दोनों ने मोर लेस एक ही जर्नी को एक्सेप्ट किया। आई लाइक योर सॉस बेटर देन हिज, ओके, बट जो नोफिल का टोपीला है वो प्रॉपरली टोस्टेड है एंड ऑल्सो आई फील के इसकी जो चिकन है दैट इज हैज़ अ डिस्टिंक्ट टेस्ट, योर्स इज़ वेरी नाइस ऑल्सो, बट उसमें कोई फ्लेवरिंग नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता वो क्या फ्लेवरिंग है, बट इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट ब्लैंड। बट नोफिल ने अपने शेक के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं ऑलरेडी, बट योर्स रबड़ी शेक की जो लुक एंड फैब्रिक है और प्रेजेंटेशन है इट्स डेफिनेटली वेरी गुड, बट आई स्टिल डोंट अग्री विद द नेम दैट यू हैव गिवन इट बिकॉज इट्स कैन बी गुलाब जामुन शेक, बट इट एज अगर मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मैं तुमसे रबड़ी शेक ऑर्डर करूँगा और इफ़ आई गेट दिस एंड इफ आई हैव एन अवर्जन टुवर्ड्स गुलाब जामुन आई वुड से ये तो वापस करते, मैं तो गुलाब जामुन खाता ही हूँ।
सौ गुलाब जामुन के नाम से कोई, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप अगर एक गुलाब जामुन खा के देखें ना तो आपको ये एक तरह से वो मतलब ट्रिक लगेगी. इट्स नॉट कंप्लीट गुलाब जामुन, आई जस्ट पुट हाफ ऑफ इट व्हाटएवर, या बट एज अ कस्टमर सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इफ आई ऑर्डर रबी शेक एंड आई गेट गुलाब जामुन एज मी एंड मी एंड इंग्रेडिएंट, या एग्जैक्टली, इट कैन गो रियली रॉन्ग, बट इट्स द लुक एंड फील इज वेरी वेरी नाइस. अगर हम मेन कोर्स को 50 या 70 दें और आपके ड्रिंक को, तो आई थिंक मेरी तरह से तो नो फिल ड्रिंक दे रहे, बट योर्स ड्रिंक टेक्स द लीड एंड द मेन कोर्स नो फिल. वाह, वेल थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. अच्छा सा मजे का बनाया एंड चैलेंज को एक्सेप्ट किया. ये एक चैलेंज टफ था, आई नो आप लोगों के लिए एक वाकई ज़बरदस्त चैलेंज था, बट आपने इंप्रेस कर दिया है. आप चैलेंज दे और एक्सेप्ट ना करें. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू हुसैन. कुछ कहना चाहते जाते बस ही, बहुत मज़ा आया और हम के साथ तो यादें बहुत पुरानी हैं. हमने अम्मी को ज़ुबैदा तारिक से ज़ुबैदा आपा बनाया एंड तो वो सारी चीज़ें वापस आ गई एंड इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एंड और अपने अम्मी अम्मी की दुआ में कि हंसते बसते रहें, घरों में आबाद रहें और खुश रहें और मुलाकात जल्दी होगी. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आपने तो वाकई मैंने तो ये जुमले इतने सुने हैं कि मुझे आज एक्चुअली लगा शायद ज़ुबैदा आपा बोल रही है. कोई 1200 प्रोग्राम साथ किए हैं, हजार प्रोग्राम में तो मैं भी था जब तुम लोगों का 1000 एपिसोड चांदी का चला था, ये भी आया था मुझे मुबारकबाद दे रही हूँ. तो इंशाल्लाह मुलाकात रहती रहेगी इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा लगा आज शो पर ये थे, वो याद हमें मुसलसल ज़ुबैदा आफा की आती रही, बट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. नाम चूँकि हमारे कंटेस्टेंट्स जो है वो भी खुश हुए होंगे. आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा. देखते रहिए हमारा शो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग भी इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि आएंगे फिर से एक बार ज़बरदस्त चैलेंज के साथ. एक और सेंसेशन होगी हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, फायर होगी और नोकझोंक होगी और होगी कुछ मस्ती. तो देखते रहिए हमारा शो पकाओ. अल्लाह हाफ़िज़.